हेलो टैलेंटेड होममेकर, स्वागत है आपका आपके अपने अड्डे पे। तो आज से मैं एक हेल्दी और वेट लॉस रेसिपी की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी हाल फिलहाल में करीब 10 kg वेट लॉस किया, वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी अपने इस वेट लॉस रेसिपी या हेल्दी रेसिपी की सीरीज़ के साथ। तो आइए, सबसे पहले आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल दलिया उपमा। इसके लिए हमें चाहिए मिली जुली हुई सब्जियाँ, कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची, और ये है करीब 1 कप गेहूं का दलिया है ये, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये है मैजिक मसाला। इसके अलावा प्याज है कटे हुए। तो सबसे पहले आइए हम रोस्ट करते हैं गेहूं के दलिया को। इसके लिए आप खाली कढ़ाई में बिना किसी ऑयल के आप करीब 2-3 मिनट तक हाई टेम्परेचर पे इस दलिये को रोस्ट करिए, और इसमें से जब खुशबू आने लगे तो इस दलिया को आप किसी दूसरे बाउल में निकाल लें और उसमें डालें पानी और थोड़ी देर इसको भीगा रहने दें। ये देखिए, चम्मच से मैंने पानी को मिला लिया और थोड़ी देर भीगा रहने दें, जिससे ये पानी एब्जॉर्ब कर ले और साफ भी हो जाए। अब स्टार्ट कर दिया दलिया बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑलिव ऑयल लिया ज़रा सा, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब। उसमें डाला मैंने मस्टर्ड सीड, वो जब स्प्लैटर हो गया तो उसमें मैंने डाला अदरक, हरी मिर्ची और प्याज, और बस ज़रा सा इसको 1-2 बार हिला लेंगे प्याज को, और उसमें डालेंगे कटी हुई सब्जियाँ। मैंने डाली है गाजर, फ्रेंच बीन और कैप्सिकम। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप उसको डालें, और इन सब्जियों को बिल्कुल कम आँच पे आप ज़रा सा मिक्स दें और डाल दें इसमें कुछ रूटीन के मसाले। मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आपकी मर्जी हो तो आप धनिया और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। बस अब ये मसाले ज़रा सा हम लोग भुनेंगे, बहुत हल्का सा स्टर इसमें देंगे। ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, और आप इस ये जब सब्जियां हमारी भुन जाए तो अब हम इसमें डालेंगे अपना सोक किया हुआ रोस्टेड दलिया, और इसको डाल के फिर से एक बार अच्छे से एक मिक्स देंगे, जिससे कि सारी सब्जियां दलियों के साथ मिक्स हो जाएं। बस फिर बहुत अच्छे से इस दलिये को आप भुनें थोड़ी देर, करीब 1-2 मिनट आप इसको भुने, और एक ये बहुत ही हेल्दी ट्विस्ट है। ये नॉर्मल रोटी सब्जी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और ये बहुत बिल्कुल 1 चम्मच तेल में बन जाता है, और इसमें रोटी सब्जी के सारे गुण मौजूद हैं, जैसे कि इसमें सारी सब्जियां हैं, इसमें गेहूं है, तो ये बहुत ही हेल्दी ट्विस्ट है। आप इसको रात में डिनर में ज़रूर खाएं, या आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकती हैं। ये देखिए, अब हमारे दलिया जब भुन गया था तो मैंने इसमें डाला है करीब 1 टमाटर बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, और इसको फिर से मिलाएंगे, और अब डालेंगे इसमें हमारा मैजिक मसाला का 1 पाउच। अगर आपने इसमें बाकी मसाले डाले हुए हैं, जैसे कि धनिया और कोई भी सब्जी मसाला या कुछ भी अगर आपने डाला हुआ है, तो आप मैजिक मसाला को स्किप कर सकती हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें। बस अब ये हमारा दलिया भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 ग्लास पानी, और इसको फिर से थोरोली मिक्स करेंगे, जिससे सारी सब्जियाँ आपस में मिक्स हो जाएँ और मसाले में जज्ब हो जाए। बस अब कुकर का ढक्कन करेंगे बंद, और इसको 1 विसल आने तक इसको पकाएंगे। और ये देखिए, हमारा दलिया रेडी हो गया है। अब इसको आप डिश आउट कर लें किसी सर्विंग बाउल में, और बस आप इसको सर्व करें लेमन के जूस और मिक्स स्प्राउट्स के साथ। अगर आप हेल्दी खाने के शौकीन हैं तो मिक्स स्प्राउट्स आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इसकी रेसिपी मैं आने वाले अपने वेट लॉस सीरीज वाली वीडियोस में ज़रूर डालूंगी। और ये लीजिए, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट डिश तैयार हो गई। इवन आप बच्चों को भी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर ज़रूर दें, ये मेरे कहने पे दें। और इसी तरह की हेल्दी और वेट लॉस रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें इसी तरह मेरे साथ। तब तक के लिए बाय।